आप देख रहे हैं YouTube चैनल आज़ाद तारीख। शांति के बिना सभी सपने गायब हो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री बैरिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 में इलाहाबाद में हुआ। 14 नवंबर का दिन, जिसे हम बाल दिवस के रूप में जानते हैं, हर साल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर बाल दिवस मनाया जाता है। जब साल 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ तो इसके बाद इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और इसके लिए 14 नवंबर का दिन चुना गया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका असली दीक्षा 2 साल बाद यानी 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब एक खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। नेहरू को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ आज़ाद किया था और उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने IIT, IIM और UGC की स्थापना की। उन्होंने बाखड़ा नांगल डैम, हीराकुड डैम और रिहंद डैम और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की थी। आखिर में नेहरू जी की एक चर्चित बात आपको बताता हूँ। जब एक महिला ने नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि भारत आज़ाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझे इस आज़ादी से क्या मिला, इस पर नेहरू का जवाब था, आपको ये आज़ादी मिली है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र की उन्नति में योगदान के लिए सन 1955 में उनको देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आप देख रहे थे YouTube चैनल आज़ाद तारीख। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महान शख्सियत की जीवनी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।